भारत पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद पंजाब का तरन तारण शहर। शुक्रवार की रात 11:22 पर तरन तारण शहर के सरहली थाने के सामने नेशनल हाईवे पर हलचल बढ़ गई थी। इस हाईवे से कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से एक ग्रेनेड दागा। निशाना था ठीक सामने सरहली थाना, लेकिन ग्रेनेड का निशाना चूका और ग्रेनेड थाने में ही मौजूद साझा यानी सुविधा केंद्र से जा टकराया। रॉकेट लॉन्चर के जरिए ग्रेनेड हमले से सुविधा केंद्र के शीशे टूट गए, ग्रेनेड के छर्रे दीवारों में धस गए। ग्रेनेड का एक टुकड़ा इस दीवार से टकराया जिसका निशान इस दीवार पर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब रॉकेट लॉन्चर से छोड़े गए ग्रेनेड का निशाना थाना सरहली था, तब उसका निशाना क्यों? बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। चूक गया, उसकी वजह है थाने का एंट्री गेट। इस गेट की वजह से ग्रेनेड का रास्ता बदल गया। आरपीजी यानी कि रॉकेट लॉन्चर अटैक होता है, लेकिन वो इतनी मार क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ये गेट सामने आ गया था। ये गेट देखिए आप, पहले गेट पे जो है वो हमला होता है आरपीजी अटैक के साथ, वही ग्रेनेड जो है वो आरपीजी जो है वो आगे जाके वो सामने शीशे को जो है वो उसको चकनाचूर कर देता है। हमले के वक्त थाने में 7 से 8 पुलिसकर्मी मौजूद थे। हमले के तुरंत बाद तरनतारन समेत पूरे पंजाब में हलचल मच गई। पुलिस इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इस मामले में UAPA के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस तरह के अटैक करके ते जड़ी पंजाब पुलिस हैगी इन कोऑर्डिनेशन विद BSF, इन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल एजेंसीज, असी इस नु इन्वेस्टिगेट करके इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस हमले के तार सीमा पार पाकिस्तान और आतंकियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए तुरंत थाने के बाहर सेना के जवानों की तैनाती कर दी गई है। पंजाब में इस साल रॉकेट लॉन्चर से हमले की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 9 मई को मोहाली में आरपीजी से सेक्टर 77 में मौजूद पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया था। हमले का तरीका ठीक वैसा ही था जैसा शुक्रवार रात तरन तारण में पुलिस स्टेशन पर किया गया। दोबारा रॉकेट लॉन्चर से अटैक पंजाब पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर रही है। मनीष शर्मा और परमवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की पहल पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने सरकार को नसीहत दी है। आजमी ने कहा कि सरकार कानून बनाए लेकिन जिहाद के साथ लव को न जोड़े। महाराष्ट्र के मंत्री जो पढ़े लिखे आदमी है उनसे कहना चाहता हूँ, आप लव जिहाद से जिहाद को निकाल दीजिए। जिहाद एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ड लव्स है, मैं इस पे आपको कई किताबें दे सकता हूँ। जिहाद को लुच्चे लफंगों जो किसी की बहन बेटियों को से शादी करें और वो धोखे से करें, ऐसी जगह पे जिहाद को इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा जुल्म है। अबू आजमी ने जिहाद को पवित्र बताते हुए कहा कि कोई परिवार अपने धर्म से अलग लड़की को अपने घर नहीं लाना चाहता है और ना ही कोई दूसरे धर्म में शादी करना चाहता है। ये कानून केवल मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। आज तक आपने किसी मुस्लिम जमात या किसी मुसलमान से ये सुना क्या कि जाओ हिंदू लड़कियों से शादी करो और बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से उनका धर्म परिवर्तन करो और जो करेगा ये काम उसको हम 2 लाख रुपए देंगे, आज तक आपने सुना? जाहिर है अबू आजमी समेत तमाम विपक्षी दल लव जिहाद के मुद्दे पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी शासित सरकारें एक्टिव हैं और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने में जुटी हैं। वहीं विपक्ष का दावा है कि इस तरह के कानून लाकर मुस्लिमों को टारगेट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।